चल भाई, ये हो गया अपना। भाई बहुत कड़क वाली धूप लग रही है यार। अब खाएंगे मसा 5 केडी और 5 केडी का नोट कुछ। तो भैया आपको कुवैत में आएंगे ना यार, ये मेरे को काम नहीं पसंद है भाई। सा कैसे हो? बढ़िया हो? अरे वाह भाई, बहुत मेहनती इंसान है भाई, मानना पड़ेगा। भाई टैक्सी के वाला बार्गेनिंग कर रहा है, कितना लेगा कितना नहीं लेगा वो सब कर रहा है उससे। तो हाँ यहाँ पे भी बार्गेनिंग होती है, समझ रहे हो? देख रहे हो बंदा कितना धूप में मेहनत कर रहा है, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। 450 से 350 ऐसे रुपए का मैंने मसाला डोसा, इडली और वड़ा लिया है। तो 400 रुपये का मैंने मसाला डोसा, इडली, वड़ा लिया है भाई, सही है ना? चलते हैं अभी, यही है अपनी लाइफ। घर पे होता तो माँ चाय पराठे सब कुछ देती थी, कितना मजा आता था खाने के लिए, बट क्या ही करे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरे साथ में है ना वैशाली है। तो सही बताऊँ, आज नया व्लॉगर कुवैत में आ गया है, तो वैशाली इज दी वन ओनली। तो इसने ऑलरेडी अपना चैनल क्रिएट कर लिया है, बट अभी उसको थोड़ी बहुत सी चीज़ें सीखना बाकी है, क्योंकि उसको अभी कुछ नहीं आता है। सो शी इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यानी जीरो। उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज मेरे साथ में रिम भाई नहीं है, आज मैडम है। तो देख रहे हो बुड्ढी लोग कैसे चलते हैं, सेम वैसा चल रही है, बट सही है, अच्छा ही है। अब इसको क्या समझ में आ रहा है भैंस की आँख में क्या बोल रहा हूँ। बट वैशाली भी हंस रही है और ये मामा कुकी ये भी हंस रहा है, इसका दांत बाहर आया। उसको क्या पसंद उसको। सुबह मेरा अच्छा हुआ एक्चुअली ना, अभी क्या बोलूँ, इनके सामने मैं अपनी हिंदी में कुछ भी बोलूँ और नेपाली लैंग्वेज में कुछ भी बोलूँ कुछ भी समझ में नहीं आता। एक्चुअली जब ये नेपाली बोलती तब मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता, पर थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आता, आयरो गैरो आयरो गैरो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, मिलते हैं आपको। तो भैया इसी के साथ में 50 केडी का सेल करके अब हम जा रहे हैं अपने घर पर। अभी हमें ना जस्ट अभी जो सीन देखा ना अभी आपने हमें उतरने का, अब वही सीन देखो हमें चढ़ने का। तो चलो चढ़ते हैं ऊपर एंड जी हाँ अचीव कर लिया। भैया कैमरामैन मेरे साथ में वैशाली थी और मैं आ गया हूँ। तो चलते हैं हम घर पर एंड जी हाँ रेडी फॉर अ घर, तो लेट्स गो। तो भाई अपनी छुट्टी तो हो रखी है, मगर नीचे से ऊपर से नीचे सीन कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिखा देता हूँ। और चाचा कैसे हो? बढ़िया हो? अरे वाह भाई, बहुत मेहनती इंसान है भाई, मानना पड़ेगा आपके लिए, रिस्पेक्ट दिल से। पी भाई प्यार करो चाचा को और अच्छा अच्छा कमेंट करो, गुलाबी दिल गुलाबी दिल गुलाबी दिल। चलो चलते हैं, बाय। आर यू रेडी? यस यार, लगो, डोंट बी कैमरा फियर, बी स्मार्ट। खला भाई मैं तो जा रहा हूँ, अब जाके देखेंगे। और देखो लौंडिया तो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया है, वाह। ये सब है ना सब स्लो मोशन में शूट किया हुआ है, और ये जो पूरा लाइटिंग है जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा लाइटिंग है, लाइटिंग की वजह से ये खूबसूरत लग रही है। अदरवाइज कितना सारा ट्रांजिशन डाला है, कितना सारा एडिटिंग किया हुआ है और सब लाइटिंग में शूट किया हुआ है। बट एक दिन अपना भी ऐसे ही एक दिन वीडियो बनेगा, कोई नहीं है ना, अपन भी ऐसे एक दिन बनाएंगे ना वीडियो एकदम अच्छा अच्छा सब कमाल है। वो जो फुट स्टेप दिख रहा है ना, ये जो फुट स्टेप ये भी सब एडिटिंग का, वीडियो की एडिटिंग का कमाल है, क्योंकि हम बोलते हैं ना। चलो भाई यहाँ पे लोग देखो, लोग जा रहे हैं एकदम अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत, सही है यार। एक्सपेंसिव मॉल है, मतलब एक्सपेंसिव तो है ही है, मतलब हाँ हाई फाई कस्टमर लोग आते तो देख के दिल गार्डन गार्डन मिल जाता है। अभी चलते हैं और चले लेट्स गो। तो एक और बात, जो बात मैंने मॉर्निंग में आपसे बोला था ना कि यार वो बुड्ढी है ऐसा लड़की को लेकर, तो भाई ये जस्ट उसके साथ में जब आप काम करोगे ना, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ी है यार, हर बात पे कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहती है,
तो इसीलिए मैंने बोला था उस समय इन द मॉर्निंग में, मेरे को अभी क्लिक हुआ दिमाग में कि यार तुम लड़की को कैसे बोल सकते हो भाई, वो बहुत चिड़चिड़ी है, उसके साथ में काम करना मतलब एकदम ही अलग सीन रहता है। तो भैया बस, अरे बस आगे खड़ी हुई है, अरे बस आए हो, हल्ली बल्ली मैम पिज्जा खाने दे उसको, बस आ गई। भाई साहब रुकना, देख सलीम भाई देख कितना मोटा हो गया भाई तू, अभी काम पर चाय मिला, रुक निकालता तेरा वीडियो भाग गया, शर्म आ रहा था पता है ना पोल खोल दूंगा भाई का बट कोई नहीं, बहुत अच्छा है, दिल का साफ है एकदम बंदा। तो ये है मेरे पास में 5 KD और 5 KD का नोट कुछ 2000 years later होता है, देख लो गाइस। तो हेलो जी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 और मेरी छुट्टी है, तो फिर मैंने सोचा कि यार भूख लगी है तो जाते हैं मसाला डोसा वगैरह लेके आते हैं और खाते हैं। तो लेट्स गो, आई एम गोइंग टू राइट नाउ इन मसाला डोसा की शॉप पर। एंड जी हाँ, 3 मसाले डोसे लेना है मेरे को, एक मेरे लिए, एक तनुज के लिए, एक और सुमन के लिए, लेट्स सी क्या होता है। तो भैया आपको कुवैत में आएंगे ना यार, ये मेरे को काम नहीं पसंद है भाई। ऐसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर, देख रहे हो बंदा कितना धूप में मेहनत कर रहा है, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और इसलिए नहीं पसंद यार कि यार अपना फैमिली छोड़कर कचरा उचड़ा उठाना दूसरे के देश में, क्या ही बोलूँ यार, मेरे थोड़ा वो होता है, तकलीफ होती है भाई, कसम से बता रहा हूँ भाई। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुआ मेरी मम्मी ने मुझे कैसे भी करके 12th पढ़वा ही दिया है। हाँ हालांकि मेरी मतलब समझ रहे हो कि क्या सीन था, बट कोई नहीं, पढ़ लिया इतना कि थोड़ा बहुत नॉलेज समझ हो गई है कि क्या गलत है क्या सही है, बट कोई नहीं, पहले आप उन मिलते हैं। बहुत तगड़ी वाली धूप लग रही है तो मैं हाफ भाई पे आया हूँ, तो लेट्स गो। मेरे को फटपटिया चला रहा है हाँ, ये है ना नॉर्मल जो बकाला शॉप होती है ना, छोटे छोटे राशन की दुकान पे जैसे अपने यहाँ पे मिलता है तो उनकी डिलीवरी करते हैं सब, वहाँ पे कोई कुवैती वगैरह ऑर्डर करेगा तो उनके घर घर जाके छोड़ते हैं। ना 2 मसाला डोसा और एक इडली पार्सल भाई, ले लिया, मैं भी इधर ही उनके साथ में बैठ के खा रहा हूँ, ऑर्डर ले लेते। चल भाई ये हो गया अपना भाई, बहुत कड़क वाली धूप लग रही है यार, अब खाएंगे मसाला डोसा, खाएंगे मसाला डोसा खा के वापस छो जाएंगे फिर उतेंगे। आज तो भाई बड़ा वाला दिन है, बड़ा वाला दिन क्यों है, मतलब मैं खुश भी हूँ, खुश इसलिए हूँ कि आज मैं किसी से मिलने वाला हूँ, एक सब्सक्राइबर आ गया है गोवा से, सो आई वॉन्टेड टू मीट हिम, सो वो करेंगे। और सबसे बड़ा बात तो है कि पैसे भेजेंगे, तो कुवैत में पैसे कैसे भेजते हैं आपको ट्रिक्स एंड ट्रिप बताने वाला हूँ। ओके तो बने रहो और वीडियो को पूरा देखो, अगर वीडियो लंबी होगी तो उसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, अगर वीडियो छोटी होगी तो ठीक इसी में हो जाएगा। चलते टोटल कितने का पता है क्या, 2 मसाला डोसा और 1 प्लेट इडली ले लिया और 3 मेहंदी वड़ा ले लिया, तो टोटल कितने का बिल बन गया पता है क्या आपको, ये बन गया है ऑलमोस्ट 1 KD 400 का बना है, तो आप लोग समझ लो हो गया है 200 रुपये का मैंने खाली 2 मसाला डोसा लेके जा रहा हूँ, 400 रुपये का, 450 का मैंने मसाला डोसा इडली और वड़ा लिया है, तो 400 रुपये का मैंने मसाला डोसा इडली वड़ा लिया है भाई, सही है ना। चलते हैं अभी, यही है अपनी लाइफ, घर पे होता तो माँ चाय पराठे सब कुछ देती थी, कितना मज़ा आता था खाने के लिए, बट क्या ही करे जो होता है अच्छे के लिए होता है।
भाई अभी अपना सीन जाओ मिंटू को तो भाई अभी अपना सीन हो चुका है मसाला डोसा का, तो इधर रही मसाला डोसा और वो भाई लगा हुआ है। हाँ हाँ, कैसा लगा? मैं वड़ा खाएगा पहले, वड़ा पहले। कोई कमेंट कर ली, काली कमेंट मत करना। भूख लगी है, सब अच्छा लग रहा है भाई। 400 का नाश्ता कर रहे हैं अपन इंडिया के, उसमें मेरा पूरा घर नाश्ता करता था 400 में। Bye, good night, take care. Your salary receipt? How much your? Hello? This is not salary, only 200. Now from next month, Maafi. This month, kuch bhi nahi. In my old location. Maafi, this is public holiday. No, khalas. Next year. Now next year, everything next year. Yalla, we are going to file. Log file jayenge, ghum jayenge. Last shopping, maybe. Last shopping. Bye, take care. Aur main apni coffee pee raha hu, coffee pee leta hu. मेरे कच्चे दुकान दो, इसको कच्चे मेरे डालने हैं धोने के लिए। कपड़े भी धुल जाएगा, यही होता है छुट्टी के दिन, कपड़े धो और क्या ही बोलूँ आपको।